हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। दिस इज प्रतीक्षा आचार्य। हिस्ट्री का एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ इस वीडियो में आपको हिस्ट्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये वो क्वेश्चन हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कौन से हैं वो क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। वहां आप देख सकते हैं सभी कोर्सेज और अपडेट पा सकते हैं मेरे न्यू कोर्सेज के बारे में, सभी लेसन्स देख सकते हैं और डाउनलोड स्लाइड्स करके उनको कभी भी ऑफलाइन देखा जा सकता है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सर्च करना मत भूलिए, प्रतीक्षा आचार्य। तो क्वेश्चन आपके सामने है, पहला, प्रेम वाटिका का रचनाकार था। तो प्रेम वाटिका का रचनाकार रस खान थे, और यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस भी दिए हैं। आंसर आपको बस बताया जाएगा और शो भी हो रहा है रेड कलर में, रिवीजन भी आपका हो जाएगा। और अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व करके आ सकते हैं। प्रेम वाटिका के रचनाकार रस खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल की रचनाओं के नाम हैं। तो अबुल फजल की जो रचनाएं हैं उनके नाम अकबरनामा और आयने अकबरी हैं। नेक्स्ट है, कलीलाह व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतर है? कलीलाह व दिमना पंचतंत्र का अरबी रूपांतर है। नेक्स्ट इज, मदरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट का नाम था? राइट ऑप्शन है इसका जहांगीर। जहांगीर ने मदरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था। नेक्स्ट है, अकबर ने प्रथम दक्षिण भारत के जिस राज्य पर आक्रमण किया था वह था? आंसर इज अहमदनगर। तो यहाँ पर आपको ये भी शो हो रहा है कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? आंसर इज बालाजी बाजी राव। तो बालाजी बाजी राव पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा थे। नेक्स्ट है, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती थी। तो अंग्रेजों की विशालतम बस्ती बंगाल में हुगली पर थी। आगे बढ़ते हैं। तो तीन जिले जो सौंपे गए थे मीर कासिम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, वह थे बर्दवान, मिदनापुर तथा चटगांव। नेक्स्ट इज, बंबई दहेज में किसे मिला था? आंसर इज ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में मिला था। नेक्स्ट है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था? आंसर इज रामदास। नेक्स्ट है, कर्नाटक युद्ध हुए थे अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम था? तो राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र है संवाद कौमुदी। अगला प्रश्न है, सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में हुई है और ये की गई थी नरेंद्र नाथ दत्त ने। तो नरेंद्र नाथ दत्त जो हैं उन्हें विवेकानंद के नाम से भी जाना जाता है, और उन्हीं ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? सही आंसर है बिलजिस कादिर ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता था? राइट ऑप्शन अवध। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी?
तो गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी। तो पूरी डेट भी आपको देखा आपने कि यहाँ पर पूरी डेट आपसे पूछी है और ये यूपी पीजीटी के हिस्ट्री के क्वेश्चन में पूछा है। तो 1930 तो सभी को ध्यान होगा लेकिन 12 मार्च भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तथ्य नहीं है, तथ्य सही नहीं है? तो ये कथन है स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने 1905 में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे, और भी पार्ट्स अपलोड किए जाने हैं तो सभी पार्ट्स जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप सभी हिस्ट्री के वीडियोस चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।